नमस्कार दर्शक बंधु, मु सत्य। दर्शक बंधु, महाखोज कार्यक्रम आमर जारी रही। उद्देश्य गोटे लुचि रही मालिका बनीत भक्त को कैमरा फ्रेम को आनबार, लोकलोचन को आनबार। बहुत खोजला परे, बहुत खोजला परे मुझे केवे आशा भी करनी जो भक्त को बर्तमान मुझे देखा चाहूँगी से भक्त सहित मोर दिन भेट हे। अनेक थर शिवकल्प पढ़ी जाणी भी आई पीठ को आसिक फेरिक भी जाइए। अचानक देखाला भक्त सहित जहाँकि आपंथे मालिका बनीत षोलमंडल, माँ शारा मंडल, बिरजा मंडल, माँ मंगला मंडल, कटक चंडी मंडल, माँ हेंगला मंडल, यही भाई होती षोलमंडल। षोलमंडल अन्यतम माँ शारा मंडल, माँ शारा मंडल अन्यतम भक्त। सीधा देखते कैमेरा फ्रेम रे बाबा सच्चिदानंद पंडा को बाबा आप स्वागत कर। बाबा नेमाल पीठ को तो मुझे अनेक थर आसी आपण को से शुणी केवे भेट है कहना आपन तो कौन सी गोटे जगार बस न था आप बुलू था कौन कहे ये आप दिव्य अनुभूति कह पद्मन अंचल मोर बासस्थान आठ बढ़ी आटी पा पवन मोर घर माँ पुरुष कल्पवट तले मोर घर आढ़ा ही मोर बड़देवल आ सूर्यपाद महापुरुष मोर नीति आराध्य ठाकुर एक तो बाबा आपण कि मानने घर बोल किसी ना आप अच्छा आज्ञा सन्यासी पूरा दुनिया आप घर सारा दुनिया घर आज पाखे अच्छे गोटे बट गई बट गूले आप सब बस था निज घर बोल किसी ना खाद्यपेय के कौन आरेजमेंट के भक्त मान दिखा आज्ञा भक्त मैंने दिखते शुणी बाबा आप बहुत बढ़िया गीत गाती आम दर्शक बंधु मान को गोटे बढ़िया गीत गाइट शुणी दिं हे कोठ भोगे मु तो बड़ दांडर जोगे हे कोठ भोगे मु तो बड़ दांडर जोगे टंक तोराणी रे मन बड़े छे टंक तोराणी रे मन बड़े छे चकी रखेबो मोरे लगे हे कोठ भोगे मु तो बड़ दांडर जोगे हे कोठा भोगे मु तो बड़ दांडर जोगे भोक कले अछि आनंद बजार शोष कले अछि नरेन्द्र जल सरग कुशिड़ी बाईसे पहाच छाड़ी मु आसी छल नामे छ साहण मेला को समय गणुचे साहण मेला को समय गणुचे बाईस पहाच पाखरे बसे हे कोठ भोगे मु तो बड़ दांडर जोगे हे कोठ भोगे मु तो बड़ दांडर जोगे। दर्शक बंधु मु तो बहुत जगह बुली पंचतारका होटेल रही थ्री स्टार होटेल रही बहुत लोक सहित मिसी एमती भी लोक मान घर को जा मान रही कोड़ीटा बैसटा लेखाएं बेडरूम कोड़ीटा बैसटा लेखाएं रूम आउ इंटरनेट टीवी जमाना रे से माने टेक्नोलॉजी दुनिया रे पूरा पार्लर किसी भी उणा हेले से माने हल दिखती दुनियाटा को आउ बाबा विषय जब पदे कथा कह बाबा पंचतारका होटेल हूँ नेमाल गोटे बट नेमाल बट आ बाबा टेक्नोलोजी हूँ सीधा श्री अच्युतानंद सहित कनेक्शन कौन कहे जिते मत भोक लगे कहीं जाने प्रभु भाव भक्ति डोरी मत जानी हो ना प्रथम कथा आज्ञा के भोक टाइम पास हो जाए मुझे जापे ना बोधे महापुरुष इच्छा रहे आज्ञा भोक के पास आप जानपर शरीर तत्व तो गोटे एमती जिनस खाद्य आवश्यक ना तार भितर पास हो जाए आज्ञा जानपर ना कष्ट हुए कि मनटा छाड़े पड़ जाए सत कथ आज्ञा श्री अच्युत के दर्शन दे आज्ञा जीवन थे दर्शन पाई कमी कौन से दर्शन विषय टी कह आज्ञा हाँ एमती थे खरादिन होता है नईरे मुझे
आकाश रे जन्म था आउ कला बदल सब चली था ये जोर चली था मुम नईर अच्छी आम नदी बंधर उपर अच्छा ठीक बाँ पट गोटे गिरिगोवर्धन अच्छा तारीपर से बहुत रात कठो शब्द हो गया मो निद भांगा मैं किए आसत पुरुष एत बड़ पुरुष चंदन तुलसी सब महक होती आज्ञा आस्ते आस्ते मुझे आग को आस ठाकुर आगे चल मुझे पाख चलुँ महक सेमती होती मुझे जिते आगे ठाकुर आगे आगौं जिते आगे ठाकुर से आगौं से बहुत बाट पहुँचला पा कूल ठाकुर चढ़ी पूरा पा भितर चारिपटे ही आलु आज्ञा मुझे डाकुचे ये मतलब बा ये बाट आसना मनीष देह मु ठाकुर आ मु जानी तू मत धरी मो पाद धरी सेम रोर कि असुविधा ना सब प्रकार जंजाड़ तू शांति रु कौन असुविधा तोर ना सब भक्त सहयोग देवे आनंद रो मो नाम जपिक रु हाँ सी आप कहले शून्य गोटे बाणी है एमती कि बरसक भितर जिते बड़े रात में नईकी आसे मोर मन बुझापी ताकर पाखर मैंने रही मुझे छुआटी बेलू सब बड़े दिन रात लोक गहल भितर बाहर आज्ञा प्रभु लोक गहल भितर आप बाहर रुँ आज्ञा उद्देश्य गोटे प्रभु पाइबार आज्ञा मुसे नई कि रात गाधिया पड़े मत गरम लगे गाधाए ता भर आसुवि मत पाखे क्रस कर पूरा पाखे के चलुं पवन टाइम हो महक आज्ञा जीवन बहुत अनुभूति वर्ष भर बहुत बहुत ऊपर छत नमस्ते अच्छा नमस्ते अच्छा नमस्ते अच्छा गुरु गुरु स्वामी ऊपर छत ना ऋतु बदलू खरा हो बर्षा हो शीत हो कष्ट हुए कष्ट हुए कितु डाक कहीं जान जानपर ना जानपर गोटे कथा जाना चाहिए आप महापुरुष श्री अच्युतानंद द्वारा लिखित मलमल हो लिखाई मालिका मालिकार कड़े सब आगत भविष्य विषय लिखाई कौन कह विषय आप मत कौन गोटे जहाँ सब घटू जहाँ सब घटी सारे सब सत कि आज्ञा गोटे कथा आम महाभारत कथा को जदि धृतराष्ट्र पाखे संजय अच्छा सी जन दीपद्रष्टा सी आगत भविष्य कही पारती आ पंचपांड भितर सहदेव सी आगत भविष्यता कही पारते जी भगवान होते अच्युत जगन्नाथ जी सहस्र नाम जगन्नाथ सहस्र नाम से ही अच्युत से प्रभु ही तो अंतर्जामी सी सब कथ जानते से मुखर जहाँ बाहरी कथा तेज आगत भविष्य भर अनेक किसी कथा लिखा जा वर्तमान जो कराल परिस्थिति देखिए हम गति करछंती कोरोना वेव टू कथा मुझे कोरोना विषय रे कौन कहे आप केवल आम निज भितर बुझीबार जो अभाव यही कोरोना आ किछ नै आज्ञा निज भितर परस्पर भितर गोटे दिन भितर जो बुझीबार अभाव से कोरोना आ किछ नै अपन तो गोटे लाइन रे कहि देले एते बड़ कथा तत्वर कथा ठीक बुझिलानि सर कह सब ठीक रही केवल आम निज भितर टे बुझा ये करें महामारी सब तो रही केवल घर में माँ बापा को टी चलती माँ लक्ष्मी जगन्नाथ बुझार कथा आ समस्त ठाकुर रूप देखा कथा प्रति मुहूर्त देवता मैंने प्रति मुहूर्त नरम कथा आ भाव नरम भक्ति बहुत नरम आतजोड़ी कथा देवता मैंने आम मनीष जब रहा ये करोना ही हाथ जोड़ा आज्ञा अच्छा बाबा गोटे कथा मुझे जानवाक चाहे ये नेमाल बट विषय जो नेमाल बटटी अच्छी बर ओहल जब गादी की छुईब से कलिजुग सर कौन कहूँ आप गणना से तो बहुत टाइम रही आज्ञा कितु निश्चित सी के प्रभत देखिए सी एत बाट छुई जो गादी अच्छा जिते बाट अच्छा से बाट लगे आसिक बाट बाकी अच्छी तथापि आहरी हाथ रही हाथ खंड बाकी अच्छी कौन लगुच आपन को समय बाकी अच्छे
ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଚବିଶ ଆଉ ଅଣତିରିଶ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଚବିଶ ଆଉ ଅଠେଇଶ ଭିତରେ ଅଣତିରିଶ 2029। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାବା ଏଠି ଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଣ୍ଟ କହିଲେ 2024 2029 ବର ଓହଳ ଛୁଇଁବ ଗାଦିକୁ ସଙ୍କେତ ମିଳିବ କଳିଯୁଗର। ବାବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସଙ୍କେତ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ସବୁ ବନ୍ୟା ହେଇକିରି ଯେମିତି ମିଶୁଛି ପ୍ରତିଟି ବନ୍ୟା ପାଇଁ ସେମିତି ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ କମ୍ ଗାଁ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଯେଉଁ ଅଧିକାଂଶ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ସବୁ ଅଛି ସେସବୁ ମିଶିଯିବ, ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ଆଉ ସବୁ ବହୁତ କମ୍ ଗାଁ। ତେବେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କହୁଛି, ଆପଣ ସଙ୍କେତ କହୁଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ମାଲିକା ଲେଖା ଅଛି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଫାଟିବ, ତାର ବିଷୟରେ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାରି ଭିତରେ ମାନେ ଏଇ ଅଣତିରିଶ ଭିତରେ ବି ହେଇପାରେ। ତେ ବାବା ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁଣିକି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇଟା ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ, ନା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ବି ଅଛି? ତାର ପ୍ରତିକାର କେବଳ ମଣିଷ ହାତରେ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ, ସେ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହିଁ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଟିକେ ନଈକି ଡାକିବା, ଭାବରେ ଭାବରେ ରହିବା, ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ହସଖୁସି ଦିନ ହିଁ ବିତେଇଦେବା ଏହି ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଇଏ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଇଏରେ ବସିଛେ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନାଁରେ ବସିଛେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଡାକିବା, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଉଚିତ କୋଳ ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଜାଗା ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ କୋଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମ ହିଁ ମିଳୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର କଥା। ତେବେ ବାବା ଏଠି ଦେଲେ ଗୋଟେ ସିଧା ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଭାବରେ ମିଳନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ବଢ଼ିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯୁଗଟି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭାବର ଯୁଗ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବାର ଯୁଗ, ସବୁ ଅଛି ଘରେ କଥା, ଏସବୁ କଥା ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମ ଭିତରେ ବୁଝିବାର ଅଭାବ ଆଜ୍ଞା, ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଭାଇ ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ, ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବାରେ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ, ଆଉ ଦିଅ ଦେବତାମାନେ ମାନିବାରେ, ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ମାନିବାରେ, ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ସମାଜ ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ବହୁତ ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ବହୁତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଇସବୁକୁ ଯଦି ବହୁତ ଜଗିଦେବେ, ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଭକ୍ତିରେ ରହିବେ, ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ନମସ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତ ଆନନ୍ଦ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ, ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ମାଳିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଠମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯଦି ମାଳିକା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି, ତେବେ ଷୋଳ ମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ କିଛି ଭକ୍ତ, 256 ଜଣ ଭକ୍ତ, ଯେମିତି ରହିଲେ ମା ଶାରଳା ମଣ୍ଡଳ, ମା ଦୁର୍ଜା ମଣ୍ଡଳ, ମା ମଙ୍ଗଳା ମଣ୍ଡଳ, କଟକଚଣ୍ଡୀ ମଣ୍ଡଳ, ହେଙ୍ଗଳା ମଣ୍ଡଳ, ଏଇଭଳି ଷୋଳ ମଣ୍ଡଳ, ଏଥିରୁ ଅନ୍ୟତମ ମା ଶାରଳା ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟତମ ଭକ୍ତ ବାବା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ କଥା, ଭଗବାନ କଲ୍କୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମୟରେ କ'ଣ କହିବେ ବାବା, କିଛି ଅନୁଭବ ହେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ? ଯେଉଁ କଥା ଏ ପୀଠର ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ପୀଠାଧୀଶ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ଅବଶ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ଯୁଗର ମହିମା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ହିଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେମିତି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାନ କଳ ଚୁଡ଼ା କଳ ଚଲାଉଛୁ, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ କଳଟା ଚାଲିଛି, ତ ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଳଟା ଚଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ କଳ କି ଠିକ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଇପଟ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ରାଜାଘର ଠାକୁର ତ କହନ୍ତିନି, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବାଟା ବଡ଼ ମହିମା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବାଟା ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ରାଜାଘର ପୁତ୍ର, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆସୁ ବଡ଼ଦୋଳରୁ, ମୋ ଅନୁଭୂତିର କଥା, ମୋ ଦର୍ଶନର କଥା, କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଦର୍ଶନ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ, ତ ଆମେ ରାଜାଙ୍କ ଠାକୁର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର, ଆମେ ସେ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଆସୁଛୁ, ଆମେ କହୁ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ରୁହ, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ୍ ରୁହ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ରୁହ, ଠିକ୍ ବାଟେ ରୁହ, ହେ ଭକ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟେ ରୁହ, ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ହେ ଭକ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟେ ରୁହ, ଆମେ ବା ସେଇ ଦୁଇ ଭାଇ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର, ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ଆକୁ ଧରିଛୁ, ଆମ ମାନେ ଦେଖ ଆକୁ ସଜେଇ ଦେଲା ବେଳେ ଦେଉଳ ବଡ଼ ଦେଉଳ, ଆଉ ସେ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଆସିଛୁ, ତା'ପରେ ମୁରିକି ହସି କଥା ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ଦେଖ ଆଉ ଠିକ୍ ବାଟ ଧରି ରୁହ,
तबे जो कळ कथाटी आपण कहिले धान कळ रहिछु जते बळे आमे धान पके दउ एपटे कोंडा बाहर जाय सेपट चावल बाहर जाय मोर सीधा इंडिकेशन अछि परीक्षा भक्त मानकर परीक्षा केबे आबो भक्त मानकर परीक्षा प्रतिटि मुहूर्त चलछि आज्ञा देखंतु प्रतिटि मुहूर्त घरर परिवारर प्रतिटि मुहूर्त देवळ आश्रम भितरु ई जो कथा टिके गुरु महाराज कहुथिले त्राही अच्युत जो झेट शासन करुले त्राही अच्युत प्रभु कहते त्राही अच्युत थाई जगन्नाथ कहते नाम से भगवान नामटा ही करके ठाकुर लोक प्रभु डाकुते हाँ कितु केवल भगवान नामटा बिकी आन उपार्जन करने बहुत थी मन था ये सब ठीक ठाकुर डाक ठीक भाव रखी ठीक भक्त मैंने आस ठीक सब केवल प्रभु नाम ये कर धन मानते दी पैसा पाइबार लोभ बढ़ी था यहाँ कथ मनीष ता भर जो मनीष निजुक ठाकुर बोलने आरंभ कर कथा ते बाबा हटात उपर उठी हटात जो उपर उठी उपरक पड़ी सत कथा आज्ञा अच्छा से आज्ञा ते बाबा आम दर्शक बंधु मान तरफ आम महापुरुष कहते वृत्ति वृत्ति परिवृत्ति भणे धिन्न अच्छुत आज्ञा वृत्ति अर्थ प्रभु दास 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 जब आम डाक आज्ञा प्रभु वरदान मिल आशीर्वाद मिलेगा से अष्टगुदर जो पदटी आप कहे गायक शुणी दिखते तुम्भ सेवा का हो जाने भी तुम्भ भक्त सेवा सेवार से मान जाने उड़ी बोली आज्ञा जन जन पथिक भोक लगुच खाइया कौच कि यथेष धन अच्छा कि आम ठाकुर को पथर दि ठाकुर को काठ पथर ठाकुर को ये खर्च करुचे से जन पथिक कौन भगवान से खाई खाया दिव आम देखीचे ये पचास सीट अच्छा कि टाइम दौचे दुष्ट को आड़े दे कि ठाकुर ध्यान दे आम किसी देद अच्छा दर्शक बंधु वीडियो स्टॉप करने पूर्व आपण मानकर अनुरोध क्रमे बाबा को रिक्वेस्ट करी गोटे सुंदर भजन गाइबे तापर वीडियो स्टॉप करिया बाबा गोटे सुंदर भजन गाइबे हाथ ठारे मते डाकी बाकी सते हाथ ठारे मते डाकी बाकी सते रथ जातरा को ए दुखे को पोरे को मु चिट्ठी लिखी मो नील मणि को मु चिट्ठी लिखी मो नील मणि को भाव विनोदिया मोर भाव बुझी पारिबो नंदी घोष टकाई मते हाथ ठारे लगिले डरे जीवी पोरे भावे मु चिठी लिखी मो नील मणि को मु चिठी लिखी मो नील मणि को नंदी घोषे बसी थे मोर कला बदन बड़ दांडे देखी देले नाचु मन नंदी घोषे बसी थे मोर कला बदन बड़ दांडे देखी देले नाचु मन रथ टाणु थे जानु थे हो रथ टाणु थे जानु थे धन्य मो चिठी लिखी मो नील मणि को मो चिठी लिखी मो नील मणि को मो चिठी लिखी मो नील मणि को नमस्ते जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बाबा आपन को बहुत बहुत धन्यवाद सत्यवन चैनल को बहुमूल्य समय दे थिबारु आपन को गीत रे एते मधुरता थिला भाव भी हेले गेले हमर दर्शक बंधु तब दर्शक बंधु आपन मन बर्तन सुनथिले मा शाला मंडल रो अन्यतम भक्त सच्चिदानंद पंडा को आपण भी जदि बाबा को साक्षात करा चाहते आसा पड़ो नेमाठ नेमाठ आड्रेस लिख रखु जदि आप भुवनेश्वर पटे आसी प्रथम आसपड़े कटक कटक रु आप आसपड़े जगतपुर लाइन जगतपुर आपने रईट कट तापर आपड़ निश्चिंत कहलू आस निश्चिंत कहलू आप रईट कट छः किलोमीटर ट्राभेल कालापर आपको पड़ो नेमाठ नेमाठ से जो नेमाट अच्छी बाबा से ग्यारंटी दे पारे आपड़ आसिले बाबा सहित साक्षात हम कि ना कहीं मुँह भी आसिक अनेक थर फेरी बैचान्स देखा है बाबा आज तेज जोड़ी रुंत आम सहित जदि भिडियो भल लगे भिडियो को लाइक करेंगे सेयार करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आम चैनल को जय जगन्नाथ जय पंचशखा।